नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में या फिर लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, यानी जो 2 से न कटते हों इस संख्या में, जैसे 11, 21, 25, 37, इस तरह आप 2 से न कटने वाली संख्या में कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसे बनाने के लिए मैंने 11 फंदे डाले हैं। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। अब ये डिजाइन ये रॉन्ग साइड है, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में भी हमने सभी फंदों को सीधा बुना और दूसरी लाइन में भी हमने सभी फंदों को सीधा ही बुना। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम आ गए हैं थर्ड रो पे और यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब दूसरे कलर की ऊन से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। तीसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये, इसके नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और तब हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुन लिया, अब इसको हम गिरा देंगे। अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। नेक्स्ट फंदा देखिए, ये फंदा हमारा है। यहाँ देखिए, दोनों तरफ से सीधा बुना था हमने, तो ये उल्टा फंदा बन गया है सामने की तरफ से। तो इसी फंदे के नीचे हमें ऐसे सिलाई देना है और एक सीधा फंदा बना लेना है। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करेंगे। अगला फंदा हमें सीधा बुनना है, लेकिन एक लाइन नीचे, ये उल्टा फंदा जो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे। अगला फंदा स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है, एक लाइन नीचे से, तो सीधा बुना, अब इसे स्लिप कर देंगे। अगला फंदा हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर देना है और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ये हमारा चौथा लाइन है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो वापस इसे भी हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे, ये फंदा हमने आगे से सीधा बुना था, तो पीछे से भी हम इसे सीधा ही बुन लेंगे। ऊन को अपनी ओर करेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा, इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। ऊन दूसरी ओर करेंगे और सीधा बुना हुआ यह फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब पांचवी लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और छठी लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, शेष फंदों को सीधा बुनेंगे। और लास्ट फंदे को एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर हम आ जाते हैं सामने की तरफ।
तो सातवीं लाइन में हम अपना दूसरा कलर लेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए दूसरे फंदे को हमें एक लाइन नीचे आके बुनना है। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे हमें इसे एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनना है। तीसरे लाइन से देखिए ये थोड़ा सा चेंज है, तीसरी लाइन में हमने दूसरे फंदे को स्लिप किया था, अब की हमें दूसरे फंदे को बुनना है। ये जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है इसे ही हमें बुनना है, तो इस फंदे को हम एक लाइन नीचे आके सीधा बुनेंगे। और देखिए ये फंदा हमने बुना था तो अब की इसे हमें स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे आके तब सीधा, और अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब इस फंदे को देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा था, यानी इस फंदे को हमें बुनना है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा बुना हुआ था, देखिए ये बुना हुआ था यहाँ पे देखिए ये, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, सीधा एक लाइन नीचे आके तब सीधा। अब इसे गिराएंगे, अगले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, लेकिन ये देखिए जो सीधा ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है तो इसी के नीचे हमें सिलाई डालना है और इसे सीधा बुनना है। अगला फंदा स्टिच है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह ये हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है। रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा, ये बुना हुआ फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसी तरह इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। मेनली अब देखिए इन्हीं आठ लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, यानी अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। हर दूसरी लाइन में हमें उनका कलर चेंज करना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इसे ये डिज़ाइन दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए बुना जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।